गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निलोफर और आप सबका वेलकम करती हूं आपके ही चैनल पे जिसका नाम है फैट टू फैबुलस। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं इस चैनल पे मिलते हैं आपको वेट लॉस से रिलेटेड रेमेडीज, वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोस, डाइट वीडियोस और जो सारे मेरे एक्सपीरियंस में हैं, मतलब मैंने अपना 18-20 केजी वेट लूज किया है विद इन अ वन ईयर। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो थंबनेल देख के आए हो तो थंबनेल पे जैसे मैंने दावा नहीं वादा किया है आपसे कि आज की जो ड्रिंक है, जो मेरी नाइट ड्रिंक है, जो आज मैं बताने वाली हूँ, वो इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप उसको 21 डेज रेगुलर लोगे तो 100% आपका वेट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इंचेस भी लूज होंगे, 7-8 इंच तक लूज हो सकते हैं आपके। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और जिन लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा है, कल भी मैंने एक नाइट ड्रिंक शेयर की थी, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, जिन लोगों ने देखी है वो इस वाली को देखें और इसको क्या कर सकते हो 15 डेज और 21 डेज तक एक लो, फिर 21 डेज के बाद दूसरी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये जो आपको सूट करे, जो इंग्रेडिएंट आपको सूट करे, आप वो ड्रिंक ले सकते हो। तो ये इट्स फॉर योर कन्वीनियंट। और आज की जो ड्रिंक है वो स्पेशली समर्स के लिए है, मींस जो कल बताई थी वो आप विंटर्स में भी ले सकते हो, बट आज की जो ड्रिंक है वो रिलेटेड टू समर है। समर में लोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके इंचेस पे काम करेगा, आपके इनर जो हेल्थ है उस पर भी ये ड्रिंक काम करेगी। सोते सोते पतले होना है तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा देखते हैं, ठीक है? बीच से स्किप मत करना, फुल वीडियो देखना, तभी पता चल पाएगा कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको जैसे पता है मैं जो भी ड्रिंक बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में ही बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो इस ड्रिंक के जो भी इंग्रेडिएंट है वो भी आपको आपके ही किचन में मिल जाएंगे। और मैं भी ये ड्रिंक स्टार्ट कर रही हूँ आज से, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं और आपकी जो इनर हेल्थ है, मतलब जो और भी चीज़ें हैं उन पे भी ये ड्रिंक वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट से। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो आपके किचन से ही है और इसको हम लोग मिठाई में, खीर में, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों में डालते हैं, बिरयानी में। तो फर्स्ट जो हमारी जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है छोटी इलायची, जिसे हम कहते हैं कार्डमम। तो हमें कार्डमम चाहिए, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, कार्डमम चाहिए। और आप जब अपने लिए सिर्फ ड्रिंक बना रहे हो वन पर्सन के लिए तो आपको एक इलायची ही लेनी है, अगर बहुत छोटी है तो आप दो ले। तो फ्रेंड्स कार्डमम जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, साथ ही साथ जिन लोगों को, जैसे मुझे भी है ये प्रॉब्लम कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरा फेस जो होता है वो स्वेलिंग होता है, हाथ पैरों पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है और लेथार्जिक सा फील होता है, ठीक है? तो उसका मतलब ये होता है कि हम जैसे जो लोग हैं उनको क्या होता है, वाटर रिटेंशन होता है, हम कम खाते हैं, रात में सॉल्ट नहीं लेते। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आँखों के नीचे पफिनेस होती है, तो इलायची जो होती है वो क्या करती है, वो इन सब चीज़ों को भी दूर करती है। तो हमें लेनी है एक इलायची, ठीक है? अब आ जाते हैं सेकेंड इन्ग्रीडियंट पे। तो सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो है वो भी बहुत अच्छा है, किचन से ही है और इसको हम कहते हैं फेनल सीड। यहाँ पिक्चर दिख जाएगी आपको, फेनल सीड मीन्स सौंफ। सौंफ जो होती है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो हमारा पेट धीरे धीरे अंदर जाता है, हमारा फैट भी कटता है, हमारा ऊपर स्टमक पे, हमारे बैली पे जो फैट आ गया है वो भी धीरे धीरे मेल्ट डाउन होता है। तो हमारा जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है फेनल सीड। तो हमें एक चम्मच के करीब फेनल सीड लेनी है, ठीक है? आ जाते हैं थर्ड इन्ग्रीडियंट पे। थर्ड इन्ग्रीडियंट भी समर का बहुत ही स्पेशल सा इन्ग्रीडियंट है और इसकी खुशबू वाह वाह, मतलब चटनी बनाओ, सारी चीज़ें बनाओ, मोजीतो बनाओ और उसमें इसको ऐड करो तो मज़ा ही आ जाता है गर्मियों में। तो सही समझा आपने, मैं पुदीने की बात कर रही हूँ, यहाँ पर पिक्चर दिख जाएगी आपको। तो हमें लेना है पुदीना, पुदीना में ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा, दो चार उसके लीव्स ही लेनी है और उसको पानी में हमें ऐड करना है जब हमें ड्रिंक बनानी है, ठीक है? तो ये हो गया मैं तीन इंग्रेडिएंट। लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो वेट लॉस के लिए हमेशा से ही अच्छा है, सारे ड्रिंक्स में जाता है, तो आप पहचान गए होंगे, वो है हमारा अदरक।
जिंजर, कल वाली ड्रिंक में भी जिंजर का रोल था और आज भी जिंजर हम लेंगे। जिंजर हमें कितनी लेनी है, हमें छोटा सा टुकड़ा लेना है, थोड़ा सा, इतना इंच बस, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हम अदरक थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि अदरक जो होती है वो गर्म होती है। ठीक है, तो अब हमें बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बता देती हूँ कि इस ड्रिंक को बनाना कैसे है। बहुत ही सिंपल है, मैं किचन में नहीं गई हूँ, कुछ काम चल रहा है और मैंने कहा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आपको क्या लेना है, आपको 1 कप ऑफ वाटर लेना है, मतलब 300 ml तक वाटर लेना है एक पैन में। उसको रख देना है गर्म होने पर, जब वो थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उस पर 1 चम्मच सौंफ ऐड करनी है, 1 इलायची ऐड करनी है और उसको बॉइलिंग प्रोसेस पर रखना है। जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब हम उसमें अदरक ऐड करेंगे और उसको भी थोड़ा बॉयल करेंगे। उसके लास्ट बस जब हमें इन्फ्यूज़ करने के लिए रखना है, मतलब बस बॉईल हो चुका है, तब हमें 4 से 5 पुदीने की पत्तियां उसमें डालनी है, उसको बंद करना है, मतलब उस पैन को हमें ढकना है और इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ देना है, गैस ऑफ कर देनी है। ठीक है, उसके 10 मिनट बाद जब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज़ हो जाए वाटर में तो हमें उसको स्ट्रेन करना है और रात में सोने से 30 मिनट पहले ले लेना है। मतलब अब मुझे पता है कि मैं आधे घंटे में सो जाऊंगी तो इस टाइम मुझे ले लेना है, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं लेना है। तो उसको लेने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत सुकून की नींद आएगी, गर्मी है अंदर से राहत मिलेगी क्योंकि सौंफ भी ठंडी होती है, हमारे पेट को सूद करेगी, जो भी आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और मॉर्निंग में आप बिल्कुल फ्रेश होगे। मतलब जब आप जाओगे फ्रेश होने तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा बिल्कुल भी, अच्छे से साफ होगे, पेट हल्का होगा, फिर आप करोगे अपना वेट। और इसे डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, अल्टरनेट भी कर सकते हो, लेकिन वेट करते रहना चाहिए। और फिर 21 डेज के बाद आप मुझे बताना कि क्या इसका रिस्पॉन्स रहा, क्या रिजल्ट आए। बट याद रखना कि हमें अपनी डाइट जो है वो बैलेंस लेनी है, साथ ही साथ 8 से 9 हज़ार कदम चलना है, 32 बार करते हो तो बहुत अच्छा है, पानी 4 से 5 लीटर तक पीना ही पीना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।